और आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है SBI की। देखिए SBI की कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी PO की, ठीक है, 2000 वैकेंसी थी SBI PO की। और ये वैकेंसी टोटली डिफरेंट है, आपने जो भी सुनी होगी, कभी क्लर्क की आती है, कभी PO की वैकेंसी आती है, लेकिन ये क्लर्क और PO से एकदम अलग वैकेंसी है। ये वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत। अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है, सिखाना होता है चीज़ों को, तो उसी एक्ट के अंतर्गत ये जो है ना SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ बच्चों को अपने यहाँ सिखाएगी, काम सिखाएगी अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत 1961 के तहत। तो इसमें क्या है कि ये 3 साल का आपका जो है ना बॉन्ड रहेगा और पेमेंट आपको ठीक ठाक 15-16 हज़ार से पहले ईयर, सेकेंड ईयर में थोड़ी ज़्यादा और थर्ड ईयर में आपकी थोड़ा, 3 साल का आपका अप्रेंटिसशिप रहेगी। आपको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे बैंक फंक्शन करती है, एज ए जो एम्प्लॉय होता है बैंक का उसी तरह आपको जो है ना यहाँ पे भी काम, कई सारे काम आपको करने को यहाँ मिलेंगे, कई सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये वैकेंसी थोड़ा सा हट के आपको, जैसे एक तरह से आप कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई हमें बैंक में SBI में, आप PO या क्लर्क बने, उस तरह की नहीं है आपको। और जो उन लोगों को बेनिफिट दिए जाते थे जैसे कि DA हो गया, आचार्य वगैरह, कई सारे और बेनिफिट होते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे और ये 3 साल तक ही आपकी है और इसके बाद SBI आपको जो है ना निकाल ही देगी, 99% निकाल ही देती है। अगर आप कोई बैंक एग्ज़ाम वगैरह निकाल लेते हो तो आपको जो है ना इसमें फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि अगर आपने 3 साल की आप ये अप्रेंटिसशिप कर रहे हो और आपने जो है ना PO का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो इंटरव्यू में हो सकता है आपको थोड़ा सा लाभ मिल जाए, क्योंकि आप SBI में 3 साल से वैसे भी काम कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वहाँ पर आप इसका थोड़ा सा लाभ ले सकते हैं और बाकी इसका कोई लाभ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैकेंसी देखिए करीब 8,500 के आसपास है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप देख लो, तो 20 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हो 10 दिसंबर तक, ठीक। आपका जो रिटर्न एग्जाम है, एक ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के जरिए आपका सिलेक्शन होगा जो कि जनवरी 2021 में संभावित है, ठीक है। और बाकी COVID-19 की महिमा अगर कुछ ज़्यादा होता है तो एग्ज़ाम भी आपका आगे पीछे हो सकता है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर ही आप जो है ना अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकोगे। मैं आपको लेके चलूँगा, आपको दिखा दूँगा प्रैक्टिकली कि किस तरह का आपका ये जो है ना आपको भरना। अभी तो हालांकि ऑनलाइन फॉर्म नहीं चालू हुए, तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन वगैरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर एक बार चेकआउट करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। अब वैकेंसी देख लो, मोस्टली हर स्टेट में, गुजरात में देख लो टोटल 480 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश में 620 वैकेंसी, कर्नाटका में 600 वैकेंसी, मध्य प्रदेश, इसी तरह जो है ना हर राज्यों में जो है ना वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप भरना चाहें तो आप ज़रूर भरिए। देखिए उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये डेंस भी है थोड़ा सा, 1000 करीब 1206 वैकेंसी, एक अच्छी वैकेंसी हो जाती है। बिहार में भी अच्छी वैकेंसी है, 4475 की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसीज़ हैं और इसके बारे में और आगे देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज आप देख लेना। और ये जो है ना डिटेल गुजरात में किस किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिला वाइज जो वैकेंसी हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में, ठीक है, खंडवा में, धार में, झाबुआ में, बारवानी में, तो इस तरह जो है ना जो वैकेंसी हैं जिला वाइज आप देख सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मैं ये PDF आपको नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम ज़रूरी बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली में काफ़ी कम, टोटल 7 ही वैकेंसी हैं, ठीक है। तो दिल्ली कोई बात नहीं, आप आसपास जो है ना उत्तर प्रदेश में भर दीजिए फॉर्म, नोएडा वगैरह में जो है ना सीटें खाली होंगी। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें हैं, यहाँ से देखिए बागपत, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, बलरामपुर, जालौन, औरैया, कई जगह देखिए आप यहाँ से सीटें, गोरखपुर में 24 सीटें, कानपुर देहात में 22 सीटें, अच्छी खासी सीटें हैं, कानपुर में 8 सीटें हैं, इटावा में 29 सीटें, ये देखिए इटावा में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, सहारनपुर में 38 या और ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप फॉर्म भर सकते हैं और अपने लोकल में ही अपना काम कर सकते हैं, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 28 साल जो है ना आपकी उम्र सीमा मांगी, उम्र सीमा की गणना 31 अक्टूबर 2020 से आपकी की जाएगी। तो ध्यान रखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/11/92 से 31/10/2020 में आपकी पढ़नी चाहिए। अब देखिए इसमें छूट भी मिल जाएगी, जैसे कि SC ST कैंडिडेट है उन्हें 5 साल की छूट मिल जाएगी और OBC कैंडिडेट उन्हें 30 साल की, और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेटों को
10 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जो गवर्नमेंट के नियम है उनके अनुसार आपको भी छूट उसमें मिलने वाली। तो ये हमने बात कर ली, अब और आगे देख लेते हैं, जरूरी बातें करते हुए आगे आपको बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर तक जो है ना आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, किसी भी से ग्रेजुएट, कहने का मतलब कला साहित्य विज्ञान BSc जियोलॉजी BA जो भी है ग्रेजुएट होने चाहिए किसी से भी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी ये 3 साल की अप्रेंटिसशिप चलेगी, ठीक है, बैंक में 3 साल की चलेगी। अब देखो पैसा कितना मिलेगा, 15,000 रुपये पर मंथ में जब आप पहले साल करेंगे, 16,500 सेकेंड ईयर में मिलेगा और 19,000 रुपये थर्ड ईयर में जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा। देखिए जो आपकी नौकरी की टाइमिंग होगी वो आपकी रेगुलर जो बैंकिंग एम्प्लॉयज आते हैं जैसे कि 10:30 बजे आते हैं और शाम को 4, 4:30, 5 बजे आते हैं, तो रेगुलर आपका भी टाइम रहेगा और जो लोग जो आपके ब्रांच मैनेजर रहेंगे जो काम बताएंगे वो आपको करना होगा और वहीं आपको सीखना भी होगा कैसे क्या काम चल रहा है। तो जो भी टास्क असाइंड बाय द ब्रांच मैनेजर यू हैव टू परफॉर्म, ये रहेगा। और मैं जो मुझे लगता है कि सारा काम ही वो लोग कराते हैं, जो जो एक बैंक एम्प्लॉय करता है जो 40,000-50,000 रुपये लेता है वही काम आपसे भी वहाँ ये लोग करवा लेते हैं, कम पैसे में करवा लेते हैं। इसीलिए जो है ना अप्रेंटिसशिप की लोग हमें लगता है समय समय पर भर्तियां निकालते रहे, जैसे 2019 में भी भर्ती आई थी लेकिन 2019 में काफ़ी कम वैकेंसी थी, करीब 700 के आसपास ही वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 8,500 तो एक अच्छी वैकेंसी हो जाती, मतलब बैंक में एम्प्लॉय कम है ऐसे लोगों को भर्ती करके काम करवा रहे हैं, कुल मिला के ये इनका काम है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, तो हमने इतनी देख ली, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपसे देख लेते हैं। एक होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, देन आफ्टर आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। जैसे कि देखिए फॉर्म भरिएगा आप तो उसी में टिक कर दीजिए कि आप अपने लोकल में ही फॉर्म भरें, आपको आसानी भी रहेगी, काम करने में भी आसानी रहेगी। अगर आपकी जो है ना 5 किलोमीटर दूर पर नौकरी लग गई तो कितना अच्छा रहेगा, अपने घर से जाओगे नौकरी करके घर में वापस, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज जब आप अपने लोकल में ही फॉर्म भरोगे तो लोकल लैंग्वेज की कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये तब दिक्कत है जब आप रह रहे हो नॉर्थ इंडिया में, फॉर्म भरे हो साउथ इंडिया से, तो आपको केरल जो वहाँ की तेलुगु वगैरह तमिलनाडु बोली जाती है वो लैंग्वेज नहीं आती है और ना ही वहाँ के बच्चों को यहाँ की हिंदी आती है, तो तब आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन जब आप लोकल में ही फॉर्म भर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज की आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ आपको एक ऑनलाइन टेस्ट निकालना है जो कि ज़रूरी होगा। क्या क्या आएगा, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग और कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 1 घंटे का पेपर रहेगा और प्रत्येक के 15-15 मिनट चारों सेक्शन को आपको मिलेंगे, ठीक है। जो आपका पेपर है वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा, ये इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 अंक की, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी होगी, हमने रिटन एग्जाम के बारे में आपको बता दिया। और जो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और गणित और रीजनिंग आएगी, ये जैसा कि आपने देखा जो SBI क्लर्क का सिलेबस रहता ना, या SBI PO का थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा, वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टफ नहीं होगा, लेकिन एक क्लर्क का लेवल मान सकते हैं, कम से कम क्लर्क लेवल का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनेंगे, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको PDF नीचे दे दूंगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और तो ये हमने चीज़ देखी, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज में आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है ना नॉर्मल सी चीज़ ही आपसे पूछी जाएगी, लोकल लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि आपसे पढ़वा के देखा जाएगा, ठीक है, लिखवा के देखा जाएगा, आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, सिंपल सी चीज़ ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनल जो सिलेक्शन है आपके जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर होने वाला है, और आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम भी ये लोग कराएंगे, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है मेडिकली फिट होने चाहिए, तो इसमें कोई आर्मी की वैकेंसी है नहीं, जो आपको हर चीज़ दौड़ा उड़ा के देखेंगे, सिंपल सा मेडिकल है, कुछ खास नहीं, ठीक है। वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, ठीक है। और जो ना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, देखिए ये बैंक की नौकरी नहीं है, जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर वगैरह रहेंगे जो काम देंगे आपको वो करना होगा और आप वहाँ से सीखते भी रहेंगे, लेकिन ये एक बैंक की नौकरी है, जैसे आपका क्लर्क बन गए या PO बन गए उस तरह की आपको नहीं बनाया जाएगा। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन की 300 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ट को कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक करके हम और देख लेते हैं, फिर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं और वहाँ से जो है ना आपको दिखा देते हैं एक बार
कि ये कहाँ पर आया है और आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब चलिए, कुछ खास बात यहाँ पर बची नहीं, हमने सारा का सारा देख लिया। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, www.sbi.co.in। ठीक है, आप यहाँ से देख पाएंगे, ये URL लिखा हुआ है इसका। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चीज़ें आपको अच्छे से दिखने लगें ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक है, ये हमने इसमें थोड़ा सा जूम कर दिया। अब देखेंगे, जैसे ही मैंने जूम किया तो आपको हर चीज़ बड़े अच्छे से बड़ी बड़ी सी दिखने लगी है। अब हमें चलना कहाँ, इसके कैरियर पे आपको चलना है। कैरियर पे आपको लेके चलता हूँ। साइड में अगर आप स्मॉल इसका फ्रंट रखते हैं तो आपको साइड में ही दिख जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया था आपको, ताकि साइड में दिख जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ देखिए, कॉर्नर में ये दिख रहा है, ये कॉर्नर में आपको दिख रहा है कैरियर्स लिखा हुआ। आपको कैरियर्स पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, जो भी लेटेस्ट के चल रही वैकेंसी, सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखने लग जाएंगी। कौशन लिखा है, इस कौशन को हटा देते हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वैसे देखिए, ये जो भी लेटेस्ट चल रहा है, मैं सबसे पहले देख लेता हूँ। तो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द एक्ट 1961, तो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनका आ रखा है। मतलब कि वैकेंसी जो आई है ये फर्जी नहीं है, क्योंकि हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेकआउट कर लिया। ठीक है, ये किसी फर्जी वैकेंसी का पता लगाने के लिए किया जाता है कि आप उसकी वेबसाइट पर जाइए और चेकआउट कीजिए कि हाँ रियल में आई कि नहीं आई है। ठीक है, वैसे भी जब हम किसी वैकेंसी का वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लेते हैं ताकि आपको गलत चीज़ें पता ना चलें। ठीक है, मतलब क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। ठीक है, आपको पैसे की भी बर्बादी हो जाती है। और इस तरह हम जो है ना, एक अच्छी जो चेक करने के बाद ही आपको जो है ना वीडियो बनाते हैं। तो ये वैकेंसी आ गई है, तो अप्लाई ऑनलाइन, यहीं पर आप क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ खास इसमें बात नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन आपने जो है ना कई सारी वैकेंसियों के लिए कर रखा है, तो देख सकते हैं कि आपका जो है ना 20 तारीख से जो है ना चालू हो जाएगा, जो कि 20 आज हो गई है। तो आप यहाँ से जो है ना अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।